आज हम बात करेंगे वाइटनिंग ड्रिप्स और वाइटनिंग इंजेक्शंस के बारे में। वाइटनिंग ड्रिप्स की जब बात आती है तो ग्लूटाथायोन का लाजमी जिक्र आता है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ग्लूटाथायोन होता क्या है और इन वाइटनिंग ड्रिप्स को हम ग्लूटाथायोन आईवी बूस्टर भी कहते हैं। ग्लूटाथायोन लिवर प्रोड्यूस करता है और ग्लूटाथायोन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि तीन अमाइनो एसिड्स मिलके बनता है। तीन अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन, सिस्टीन और ग्लूटामिक एसिड है जो कि कंबाइन होके एक चेन फॉर्म में ग्लूटाथायोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस पे वर्क करता है। स्किन की थ्री लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। जो स्किन के सेल्स होते हैं उनको मेलानोसाइट्स कहते हैं। हमारी बॉडी का जो पिगमेंट होता है, स्किन का जो पिगमेंट होता है, कलर होता है, वो मेलानिन की वजह से प्रोमिनेंट होता है, पता चलता है। स्किन को आइडेंटिफाई मेलानिन की वजह से किया जाता है कि ये मीडियम स्किन टोन है या ये लाइट है या ये डार्क है। जिनका बहुत डार्क कलर होता है मेलानिन, उनकी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जिनका बहुत लाइट होता है तो उनके मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती है। तो यहीं पे ग्लूटाथायोन बेसिकली वर्क करता है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, और बहुत सारी स्किन कंडीशंस होती हैं उस पर वर्क करता है। वाइटनिंग ड्रिप्स की फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। वाइटनिंग ड्रिप्स की फॉर्म में उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है और बॉडी में जाके ऑल ओवर द बॉडी वर्क करता है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स इस ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहते हैं, अपना कॉम्प्लेक्शन बेहतर करना चाहते हैं, अपनी स्किन को फ्रेश चाहते हैं, यूथफुल दिखाना चाहते हैं। तो वो लोग ये सोचते हैं, वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि लेटर एज में इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। यहाँ बात आ जाती है क्वालिटी की। अगर क्वालिटी अच्छी है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है और कोई कॉपी फॉर्म में आप यूज़ नहीं कर रहे, लोकल फॉर्म में यूज़ नहीं कर रहे, तो बेस्ट है। और उसके अलावा प्रोटोकॉल्स की और प्रिस्क्रिप्शन की बात आ जाती है। डॉक्टर आपको जो गाइड करता है आपको उसी को फॉलो करना होता है, उसी तरह से अपने सेशंस कंटिन्यू करने होते हैं। उसके बाद जब उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ जाता है तो आपको मेंटेनेंस लेनी होती है, यानी मेंटेनेंस में आपको 3 मंथ्स में एक दफ़ा सेशन लेना होता है। या अगर आपको लगे कि आपकी स्किन टैनिंग आ रही है, डिसकलरेशन हो रही है या कोई पिगमेंट आ रहा है और जो आपका कलर है दोबारा से डल की तरफ आ रहा है, तो मेंटेनेंस के लिए आप एक सेशन ले सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आपका कॉम्प्लेक्शन है उस और जो आपकी लाइटन अप हुई है स्किन, वो फेड आउट नहीं होगी और ना फ्लक्चुएशन आएगी और मेंटेन रहेगा रिजल्ट। वाइटनिंग ड्रिप्स के लिए जो एज मैटर करती है, 20+ इंडिविजुअल वाइटनिंग ड्रिप्स लगवा सकते हैं। इसके अलावा एजिंग फैक्टर यानी 50+ इंडिविजुअल्स भी लगवा सकते हैं। एंटी एजिंग को कम करने के लिए भी ये ड्रिप्स लगवा सकते हैं। इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स भी ये ड्रिप्स लगवा सकते हैं। एंटी कैंसर सेल्स डेवलप होते हैं इनके थ्रू और आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इम्प्रूव होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। ग्लूटाथायोन वाइटनिंग ड्रिप्स स्किन की डिफरेंट कंडीशंस पे वर्क कर रही होती हैं। बात करते हैं मेलाज्मा की, तो मेलाज्मा में जैसे हमारी स्किन के डिफरेंट सेल्स होते हैं, स्किन के सेल्स को हम कहते हैं मेलानोसाइट। मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन और प्रोटीन। मेलानिन की कमी की वजह से आपकी स्किन टैन हो जाता है, सन टैनिंग हो जाती है, स्किन डैमेज हो जाती है और डिसकलरेशन हो जाती है। डिसकलरेशन कन्वर्ट हो जाती है मेलाज्मा में और वो ज़्यादा डार्क पिगमेंट बन जाता है। तो ग्लूटाथायोन आईवी ड्रिप्स जो होती हैं उसको लाइटन अप करती हैं, उस पिगमेंट को रिड्यूस करती हैं और मेलाज्मा को रिड्यूस करती हैं। ग्लूटाथायोन वाइटनिंग ड्रिप्स एक्नी स्कार्स पे भी वर्क करती हैं, यानी अगर प्रीवियस आपको कोई हिस्ट्री रही है एक्टिव एक्नी की और एक्नी ब्रेकआउट्स हो गए हैं, तो जो स्किन पील हो रही होती है और जो स्कारिंग आ जाती है उसको भी ग्लूटाथायोन वाइटनिंग ड्रिप्स रिड्यूस करती है और स्कारिंग को फिल अप करती है, यानी कोलेजन को भी आपकी स्किन में बूस्टिंग देती है। इसी तरह विटिलिगो के जो पेशेंट्स होते हैं, मिल्की पैचेस हो जाते हैं, उनके डिसकलरेशन हो जाती है मेलानिन की कमी की वजह से, तो वो लोग भी वाइटनिंग ड्रिप्स लगवा सकते हैं। उनकी कंडीशन को मजीद वर्स्ट में नहीं जाने देती ये ड्रिप्स और आईवी बूस्टर प्रोवाइड करती हैं, यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं।
जिनको पिगमेंटेशन है या फ्रेकल्स हैं या डिस्कलरेशन फेस हो रही है तो वो लोग भी वाइटनिंग ड्रिप्स लगवा सकते हैं। वाइटनिंग ड्रिप्स के ज़रिए उनका ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन जो होता है इवन टोन हो जाता है और पिगमेंट लाइटन अप होता है डे बाई डे। सिर्फ सन एक्सपोजर की वजह से अगर ब्रेकआउट कॉज हुआ हुआ है या स्किन डैमेज हुई हुई है उसके बाद आपके कोई पिगमेंट बन गया है तो वो उसको रिड्यूस करने के लिए वाइटनिंग ड्रिप्स के आप सेशंस ले सकते हैं और ऑल ओवर द बॉडी ये वर्क करती हैं। ग्लूटाथायोन वाइटनिंग ड्रिप्स के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, लाइक कि आपकी कॉम्प्लेक्शन को भी बेहतर करता है, लाइटन अप करता है, ब्राइटन अप करता है कॉम्प्लेक्शन को। उसके अलावा डार्क स्पॉट्स जो हैं उसको फेड आउट करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है और आपकी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है। इसी तरह अल्कोहल एडिक्टेड पेशेंट्स जो होते हैं उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उनकी बॉडी में जो टॉक्सिसिटी हो जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। अगर आप लोग भी अपने कॉम्प्लेक्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं और ब्राइटन अप करना चाहते हैं अपने कॉम्प्लेक्शन को और इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग वाइटनिंग ड्रिप्स की तरफ आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई इश्यूज फेस हो रहे हैं तो आप लोग हैश क्लिनिक्स विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।